Hi, this is Deepak Tijori, and please catch me on BakaitiQueen.com. तो सर कैसे हैं आपका अभी पेंडेमिक कैसा चल रहा है? पैंडेमिक जैसे ही जैसे सबका लॉकडाउन, क्या करें, सब लोग घर में बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बस जी वही है, वेट कर रहे हैं। अभी अभी एक्चुअली ऑलमोस्ट खुल रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी शूटिंग शुरू हो रही है, जी तो फोन वोन आने शुरू हो गए कि हाँ ठीक है, ये सब चीजें प्लानिंग चल रही है। तो आई थिंक अभी जो थोड़ा सा लॉकडाउन में जो राहत मिली है, जिसकी वजह से आई थिंक इट्स बेटर। ओके okay. तो सर अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से आने वाले हैं, अभी कुछ आप उसके बारे में बता सकते हैं? एक्चुअली अभी मैं कुछ ये सफेदी रखी है, तब से कुछ इंटरेस्टिंग प्रपोजल्स आ रहे हैं, कुछ अलग अलग। आजकल जो दौर चल रहा है कि कंटेंट बेस्ड, कंटेंट ड्रिवन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, एड फिल्म्स हैं, फिल्म्स हैं, तो एक इंटरेस्टिंग फिल्म अभी मैं कर रहा हूँ, जिसकी अभी शूट बीच में 2 दिन करने के बाद रुक गई थी। उसमें जो डायरेक्टर हैं और एक्ट्रेस हैं और बहुत सारे नेशनल अवार्ड विनर्स हैं, तो मैं पहली बार ऐसी फिल्म अटेम्प्ट कर रहा हूँ। इट इज अ फिल्म विच इज कॉल्ड इतर, और इतर उसके प्रोड्यूसर्स हैं हाँ करण और तनुज प्रोड्यूसर्स हैं, और डायरेक्टर वीना बख्शी है। अच्छा नीना बख्शी वीना ओके बख्शी वीना 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 बख्शी बख्शी ओके हाँ, इन्होंने लास्ट बनाई थी कॉफिन मेकर नसीर भाई और रत्ना जी के साथ, और उसमें रणदीप भी थे, उन्होंने उसमें नेशनल अवार्ड भी लिया था। तो दिस ओके वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेच्योर्ड लव स्टोरी बिटवीन अ मिडिल एज्ड मैन एंड अ वुमन। सो द वुमन इज ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, जो काफी का यहाँ पे भी जी काम कर चुकी है और बंगाल की काफी नामी एक्ट्रेस है। तो जी वो फिल्म की अभी मैं शूटिंग रिज्यूम कर रहा हूँ एज एन एक्टर। एक्ट जी नहीं सर, मैं बस ये पूछा था, अभी आपने बोला कि मैं अभी ये जो फिल्म में रिज्यूम कर रहा हूँ एज एक्टर, तो मेरा अगला क्वेश्चन कुछ इससे रिलेटेड था कि आप एक्टर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर आपको दोनों में से एक चीज चूज करनी है, तो आप क्या चूज करना चाहेंगे, एक्टिंग करियर या डायरेक्शन के लिए? देखो, एक्टिंग तो बहुत साल की है मैंने। एक्टिंग तो ऑब्वियसली एक एक एक्टर इज वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर, यू रियली कांट टेक इट अवे। कनेक्शन में प्रॉब्लम। बस सेम थिंग है कि डायरेक्शन में एक अलग सेटिस्फेक्शन होता है कि इट्स योर ओन, एक पेंटिंग का एक हिस्सा हो। एज ए डायरेक्टर जब आप खुद अपना कैनवास बना रहे हो, तो वो आपकी पेंटिंग होती है। तो बिल्कुल फर्क यही है कि खुद की पेंटिंग करने में भी उतना ही मजा मुझे आता है, जितना कि मैं किसी और की पेंटिंग का पार्ट पहले भी रहा हूं। और अभी ये दौर नया है, विच इज व्हाट इज नाइस, डिजिटल वर्ल्ड, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स, कंटेंट ड्रिवन चीजें बन रही हैं। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम फॉर एक्टर्स आल्सो, क्योंकि कई नए नए टाइप के किरदार हैं। पहले की तरह हम लोग जो बंधे हुए थे कि एक हीरो रहेगा, एक हीरोइन रहेगी, एक दोस्त रहेगा, एक कॉमेडी रहेगा, एक ट्रैक जी रहेगा, विलेन का रहेगा, तो वैसे सब चीजें अब रही नहीं। तो आई जी थिंक ये दौर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा है जी और मजे का दौर है। तो आई थिंक दिस इज अगेन टू द रूट्स, आई वुड से दैट आई एम डेफिनेटली एंजॉयिंग फेसिंग द कैमरा एज वेल। ओके सर, एक आपने एक फिल्म करी थी कभी हाँ कभी ना, पहले आमिर खान और जूही चावला को कास्ट किया गया था, फिर उनकी डेट्स की वजह से उन लोगों ने मना कर दिया, तो फिर जो आमिर खान वाला रोल है वो शाहरुख खान ने किया, और जो शाहरुख खान वाला रोल था वो आपने किया। एक्चुअली ये मुझे लगता है अफवाह ही है, क्योंकि अच्छा मैं एक्चुअली थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बाद में फिल्म में इनकॉर्पोरेट किया गया मुझे। मैं जब आया, जब फिल्म में ऑलरेडी शाहरुख और सुचित्रा ऑलरेडी कास्ट हो चुके थे, तो मेरे को एक्चुअली इसके पहले का प्रोसेस क्या था, क्योंकि मैं उस ओके सर्कल में नहीं था। तो ये जो एक सर्कल है, कुंदन का, अजीज मिर्जा, सईद मिर्जा, ये लोग पूरा एक एक ग्रुप उस टाइम पे था।
और शाहरुख उनके ग्रुप में था एक्चुअली में, शाहरुख भी पार्ट ऑफ द ग्रुप था क्योंकि उन्होंने सर्कस वगैरह की थी उनके साथ में। जी तो मेरे ख्याल से ये हकीकत है या ये अफवाह है, तो ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी एंट्री हुई थी जब ये लोगों ने ऑलरेडी इन दोनों को कास्ट कर लिया था, तो ओके मुझे बाद में इन्होंने कांटेक्ट किया था। ओके वैसे आपने आमिर खान जी के साथ भी काम किया है, शाहरुख खान जी के साथ भी काम किया है, सो कुछ मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे दोनों के साथ जो भी आपने काम किया उसमें? हाँ, आमिर के साथ में जोजीता के वक्त में काफी टाइम निकाला हम लोगों ने साथ में, पर जैसे हम लोग वैसे भी कॉलेज में थे और जूनियर अच्छा सीनियर थे, वो हमारे जूनियर रह चुके हैं, तो हम आमिर लोग खान। कॉलेज में भी थिएटर करते थे। हाँ, कॉलेज ओके में भी थिएटर करते थे, और ऑब्वियसली आमिर उन दिनों में वो होली नाम की एक FTI की फिल्म थी, वो उन्होंने की थी, और हम जी लोग तभी थिएटर, अमेच्योर थिएटर वगैरह करते थे। तो आई थिंक रिश्ता तो सालों से है और दोस्त भी हमेशा ही रहे हैं। और जहाँ तक शाहरुख का सवाल है, शाहरुख से भी अच्छी तरह हम लोग दोस्त थे, मुलाकात करते थे, पार्टी करते थे साथ में, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, ही इज ऑल्सो बीन अ गुड एक्टर एंड अ गुड कलीग एंड अ वेरी गुड फ्रेंड, सो आई थिंक आई हैड अ वेरी गुड टाइम विद बोथ ऑफ देम इन बोथ द ओके फिल्म्स दैट आई हैव वर्कड ऑन। ओके सो सर जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, सो जब आपको पहली पेमेंट मिली थी अपनी, तो वो क्या अमाउंट होगा जो आपको फर्स्ट पेमेंट पे मिला था, आपको चेक जो फर्स्ट चेक होगा आपका वो कितना अमाउंट था? एक्चुअली देखो, वो आशिकी वाज द फर्स्ट लैंडमार्क फिल्म, पर आशिकी के पहले जो मैंने फिल्में की थी वो छोटे छोटे रोल्स थे उसमें, बिल्कुल तो उसमें तो मतलब यही है कि एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट होता, जैसे आशिकी एक मेन रोल होते हुए भी उसकी सैलरी 20,000 रुपीज थी ओके तो उस टाइम पे। तो मेरे जी ख्याल से आप सोच सकते हैं कि उसके जो पीछे जो पहले मैंने छोटे छोटे रोल किए, तो बिल्कुल किसी में 5,000, किसी में 11,000, तो ऐसे करके मिलते थे, क्योंकि उन दिनों में फिल्में जो बनती थी वो 35 लाख 40 लाख में फिल्में बनती थी। जी जो आशिकी थी, कभी आ कभी ना थी, ये सारी फिल्में थी, वो बहुत ही छोटे बजट की फिल्म्स थी, तो उन ओके दिनों में ज्यादा उस टाइम पे वो करोड़ों में बिजनेस भी नहीं होता था, और मुश्किल से फिल्में जो है वो, जैसे आज मैंने कहीं पढ़ा के गुलाम को 28 साल हुए, तो मुझे किसी ने टैग किया किसी चीज में, तो वहां पे वो जो रिकवरी आती है कि उन दिनों में गुलाम की पूरी फिल्म की रिकवरी थी, ग्रॉस थी 13.5 करोड़। जी तो आप सोचो, 13.5 करोड़ सिर्फ एक फिल्म की पूरी, और वो भी 98-99 की बात है, 90 तो ये तो 90s, अर्ली 90s की बात कर रहे हो, तो अर्ली राइट 90s में तो और भी कम थी। तो उसमें उस टाइम पे जब फिल्म अगर कोई 2 करोड़ भी बना ले फिल्म, तो वो सुपर डुपर हिट हो जाती थी और डिक्लेयर कर दी जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे फीस वगैरह भी एक्टरों की थी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, तो जी इस तरीके की हम लोग की फीस हुआ करती थी। टाइम्स जी हैव ऑब्वियसली चेंज्ड, फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स थिंग्स आर मच बेटर। तब की फिल्मों में और आज की फिल्मों में जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो 90s की या 80s की जो फिल्म इंडस्ट्री है और अब आज की जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें कितना फर्क आ गया होगा? आप क्या आप मतलब आप देख रहे हैं चीजों को चेंज होते हुए, तो क्या डिफरेंसेस आए हुए हैं? डिफरेंसेस मतलब ये है कि पहले वैसे एक्टर तभी भी जरूरत थी, एक्टर की अभी भी जरूरत है, वैसी कोई चेंजेस तो है नहीं, लेकिन यही है कि कहानियां भी बेटर हो गई हैं, कहानियां चेंज हो गई हैं, कहानियां ज्यादा रियलिस्टिक हो चुकी हैं, और मैं समझता हूँ कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आने की वजह से और डिजिटल सोशल मीडिया आने की वजह से बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो रफ्तार बनाने की बढ़ गई हैं। जैसे उन दिनों में हम लोग कभी कभी एक फिल्म 1 साल में कंप्लीट करते थे, कभी 1.5 साल में कंप्लीट करते थे, जी तो यहाँ पे अब जो है वो फिल्म जो है वो 6 महीने में कंप्लीट हो जाती है, 3 महीने में कंप्लीट हो जाती है, तो वो सारी जी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हुई हैं। पहले स्क्रिप्ट्स जो होती थी वो बाउंड स्क्रिप्ट्स मिलती नहीं थी, वो तो होती भी नहीं थी, मिलती तो दूर की बात, डायरेक्टर राइटर जो है वो एक शेड्यूल करते थे, वो शेड्यूल का वो लोग उतने सीन्स लिखते थे और वो सीन्स हमको दे दिए जाते थे,
शेड्यूल वाइज हम लोग करते थे, तो वो शेड्यूल किया और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट शेड्यूल आएगा तो उस टाइम पे जो स्केड्यूल आएगा उसके पहले हमको वो सीन्स देते थे कि अब ये सीन्स करेंगे। पर अब की बार अच्छी बात ये है कि पहले से ही पूरी स्क्रिप्ट आ जाती है, आपके पास सारे चिट्ठे पता होते हैं, आपको ग्राफ पता होता है, आपको ये पता होता है कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, इस कैरेक्टर को उसको वहां ले जाना है, तो अगर अभी ये सीन कर रहे हैं तो मैं उस तरह से एक्टर अपने आप को प्रिपेयर बेटर कर सकता है इन दिनों जी में। जी वो चीजें टेक्निकली भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई हैं, और आई आई सपोज के इट्स अ टाइम टू बी स्पीडिंग अप विद एवरीथिंग। तो हर राइट चीज में रफ्तार बढ़ गई है, हर चीज में क्वालिटी थोड़ी सी, ऑब्वियसली जो बड़ी फिल्में बनाते हैं वो लोग क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि बिल्कुल कंटेंट ड्रिवन जमाना है और छोटी पैकेजेस जो फिल्में होती हैं उनको वो लोग जैसे फास्ट फास्ट खत्म करना है तो वो लोग उसी हिसाब से तेजी से खत्म करते हैं। तो वो सब चीजें मेरे ख्याल से, आई थिंक बेसिकली द सोशल मीडिया हैज ब्रॉट इन लॉट ऑफ चेंजेस एंड लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे आर यू नो डूइंग, स्पीडिंग अप बाय स्पीडिंग अप थिंग्स। जी। और अभी आजकल जो यंगस्टर्स है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रेज आ चुका है, अब एक्टिंग को लेकर, एक आर्टिस्ट बनने को लेकर, मतलब काफी ज्यादा क्रेज आ चुका है। अब हर एक यंगस्टर चाहता है कि मैं एक्टर बन जाऊं, तो आप उन यंगस्टर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे, कुछ कुछ टिप्स अगर देखिए आप देना चाहेंगे तो? क्या है ना सचिन, ये दौर अभी नहीं आया, ये दौर तब भी था। जी हमारे कॉलेज की बात करो तो मेरे ही कॉलेज में जैसे मेरे सीनियर परेश रावल थे, मेरे सीनियर फिरोज खान थे, मेरे जूनियर आमिर थे, मेरे जूनियर शर्मन जोशी थे, मेरे जूनियर विपुल अमृतलाल शाह थे, देवेन भोजानी थे, तो जो जेडी मजीठिया थे। तो मेरे ख्याल से ये सारे जो लोग उस टाइम पे भी थे और हम सब भूखे थे, सब हंगरी थे कि हमको ये फील्ड में आना है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि अभी इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इतनी चीजें आ गई हैं कि लोगों को लगता है कि भरमार है। भरमार तब भी थी, भरमार अब भी है, और मैं समझता हूँ कि स्ट्रगल उस टाइम पे भी थी और स्ट्रगल इस टाइम पे भी है, लेकिन वो तरीका चेंज हो गया है, वो माहौल चेंज हो गया है। उन दिनों में सिर्फ फिल्में बनती थी और हमारे को एक लिमिटेड 30, 32 या 25 प्रोड्यूसर्स होते थे, 25 डायरेक्टर होते थे, हमको उन्हीं के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे बिल्कुल और उन्हीं के पास जाके हमको स्ट्रगल करनी पड़ती थी। अब ये हो गया है कि उसके जगह 250 हो गए हैं, कभी कहीं 2000 हो गए हैं, तो उनकी स्ट्रगल जो है वो फैल चुकी है और उनके, लेकिन उनके चांसेस काम मिलने के ज्यादा हो गए हैं। राइट उस टाइम पे तकलीफ ये थी सचिन कि हमारे को अगर ये काम यहाँ से नहीं मिला तो हमको घर वापसी हो जाती है। बिल्कुल अब ये है कि भाई तुमको फिल्म में नहीं मिला तो तुम्हारे पास ओटीटी है, ओटीटी नहीं मिला तो टीवी है, टीवी नहीं मिला एड फिल्म है, एड फिल्म नहीं मिला तो रीजनल है, रीजनल टीवी है, तो रीजनल के जी अलावा कितनी चीजें, मतलब आप बहुत सही सोच नहीं सकते। तो उस टाइम पे ये था एक्टर के लिए कि अगर मिला तो आपकी जिंदगी चली, अगर नहीं तो फिर आपको दूसरा कुछ देखना पड़ेगा। आज के दौर में सिचुएशन ये है कि आपको ये नहीं मिला तो वो मिलेगा, वो नहीं बिल्कुल मिला तो वो मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। मिले जरूर तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपको एक्टिंग करनी है इन दिनों में, तो आप बिल्कुल निराश ना हो, आपको काम जरूर मिलेगा। काम जी आपको क्या चाहिए और किस तरीके का काम चाहिए वो डिपेंड करता है, वो शायद ना मिले लेकिन काम जरूर मिलेगा। तो ये चीज बहुत इजी हो गई है आज एक्टर्स के लिए या टेक्नीशियंस के लिए, किसी भी इंसान को इस फील्ड में जिसको आना है। मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज जो भी आपको करना है, आपको राइटिंग भी करनी है, आपको अगर आर्टिस्ट बन, कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना है, आप अगर हीरो बनना चाहते हैं तो हो सकता है आप हीरो ना बने, आप हीरो के दोस्त बन जाए, आप हीरो के कैरेक्टर बन जाए, दूसरे कैरेक्टर बन जाए, लेकिन ये है कि और ये वक्त ऐसा है कि सबको काम मिलता है बिल्कुल और ये बहुत ही बेहतर टाइम है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग एक्टिंग करना चाहते हैं या कोई भी इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं किसी भी चीज को लेकर, उसको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल काम मिलेगा, लेकिन वही है कि आपको जो काम चाहिए शायद ना मिले, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके आप अपना काम शुरू करें, पर यह है आज नहीं तो कल वो काम मिल जाएगा। जी तो द होप्स आर मच बेटर, द चांसेस ऑफ गेटिंग वर्क आर मच बेटर टूडे। राइट सर। और सर अभी आपकी एक फिल्म है टॉम डिक हैरी रिटर्न्स,
सो वो कब आने वाली है, कब हम लोग देख सकेंगे उसको? रिटर्न्स मेरा पहला पार्ट जो था उसका ही सीक्वल है, मतलब सीक्वल नहीं कह सकते लेकिन उसका कैरी फॉरवर्ड हमने फ्रेंचाइज यूज किया है। और वो मेरे ख्याल से हम लोग अभी ये लॉकडाउन के बाद प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो बीच में रुकी हुई थी, तो अभी हम लोग लॉकडाउन के बाद प्लानिंग कर रहे हैं उसको रिवाइव करके उसको फिर हम लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से हो सकता है 2022 अर्ली फर्स्ट क्वार्टर में देखने मिल जाए आप लोगों को। जी सर, एक और था क्वेश्चन कि जो जीता वो सिकंदर जो मूवी थी, तो सुनने में ये आता है कि आपने और अक्षय कुमार ने एक ही रोल के लिए ऑडिशंस दिए थे। तो हाँ, मुझे भी रिजेक्ट कर दिया क्या था ऐसा नहीं था कि मुझे सिलेक्ट किया था मुझे भी रिजेक्ट किया था। और हालांकि हम लोगों ने अलग अलग दिए होंगे ऑडिशन, साथ में नहीं थे, पर मेरे ख्याल से आई थिंक फिल्म रुक भी गई थी जब तक कि मैं अंदर आया। वो रोल ऑलरेडी कोई कर रहा था और उसके बाद उन्होंने फिल्म ऑलमोस्ट 70-75% कंप्लीट कर ली थी जी और फिर कहीं जाके फिल्म रुक गई थी। तो उनको ये जो एक्टर था वो समझ में नहीं आया होगा, तो उन लोगों को रिप्लेसमेंट चाहिए था और फिर वो रिप्लेसमेंट की तलाश में वो लोग ने मुझे ढूंढ के निकाला। एक्चुअली आमिर ने रेकमेंड किया, आमिर ने भट्ट साहब को बोला, भट्ट साहब ने मुझे बोला, तो मेरे ख्याल से देन आई वेंट एंड मेट मंसूर अगेन। कि तब तब मैंने बोला भी, मैंने बोला भाई मैं तो ऑडिशन देने आया था लेकिन अभी उस टाइम पे समझ में नहीं आया। तो बोलता है हाँ, बोला कोई नहीं, बोलता है कि लेट्स स्टार्ट अगेन। एंड मंसूर इज अ फैंटेस्टिक मेकर, ही इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग आल्सो, ओके बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है, धरती से जुड़े हुए बहुत अच्छे इंसान है, तो उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया। जी सर, अब पहले तो कास्टिंग डायरेक्टर होते नहीं थे, अब लाइक अब जब हाँ टाइम चेंज हुआ है तो कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं। सो आपके अकॉर्डिंगली जो कास्टिंग होती है अब, सो पहले ऑप्शन ज्यादा अच्छे मिलते थे या अब ऑप्शन ज्यादा अच्छे मिलते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के थ्रू? एक्चुअली क्या है कि अभी ऑप्शंस बहुत अच्छे मिलते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के, जो जो सही मायने में कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो एक्टर्स नहीं बन पाए तो कास्टिंग डायरेक्टर बन गए, और कुछ ऐसे हैं जो एक्टर्स एक्टर होने की भूख है लेकिन वो बोलते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर से शुरू करते हैं और फिर शायद एक्टर बनता है, तो हम अपना चांस अपने आप को दे दें। तो वो भी ऐसे भी लोग हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि चलो हक है, सबको पूरा काम करने का हक है, लेकिन कुछ लोग जो इस चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं उनकी वजह से थोड़ा सा नाम बिगड़ रहा है। बाकी कास्टिंग डायरेक्टर्स के आने से हम डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, सारे जनता को, मैं समझता हूँ जो आम आदमी है, जो आम इंसान है, उनको नए नए चेहरे देखने मिलते हैं, उनको नए नए एक्टर्स मिलते हैं और नए नए एक्टर्स को काम भी मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऑप्शंस आज की तारीख में कास्टिंग डायरेक्टर्स के आने से डेफिनेटली बढ़ गए हैं। पर जेन्युइनली जो कास्टिंग डायरेक्टर्स वाकई में जो हकीकत में कास्टिंग डायरेक्शन का काम करते हैं और उसको सही तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, उनको उनको लेकर अगर बात करें तो वाकई में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज देखने में कितना मजा आता है कि आप हमको अलग अलग चेहरे देखने मिलते हैं, अलग अलग परफॉर्मर्स हैं, इतनी टैलेंट है हमारे कंट्री में, इतनी टैलेंट है, तो जो छुपी हुई थी जिनको कभी मौका नहीं मिल रहा था, राइट, आज वो कास्टिंग डायरेक्टर्स के आने की वजह से वो मौका मिलता है। बिल्कुल मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम। जी। वैसे आज एक को इंसिडेंस हो गया है कि आपने भी और मैंने भी, हम दोनों ने ग्रीन ही कलर पहना हुआ है हाँ बिल्कुल सही है बस ठीक है। थैंक यू थैंक सचिन, थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू। सेम योर सर, और बस थैंक दुआ कीजिए कि अभी मैंने दोबारा ये काम शुरू किया है इत्तर को लेकर, तो ये फिल्म जो है वो कुछ अच्छा हो जाए उसके साथ। तो मेरे ख्याल से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दैट मैं बिल्कुल और भी काम करूंगा और आप लोगों को दिखाई दूंगा। डेफिनेटली सर। वैसे थैंक्स फॉर योर टाइम सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हम लोगों को। नॉट ऑल, नॉट एनी टाइम सचिन। ओके चले, बडी, थैंक यू टेक सर, केयर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।